Xiaomi HyperAce 2.0 ऑफिशियल जो है वो अनवील कर दिया गया है। इसकी डिटेल आ चुकी है, रिलीज डेट आ चुकी है, डिवाइसेस की लिस्ट आ चुकी है, लेकिन Xiaomi ने यहाँ पर HyperAce 2.0 के जो अपकमिंग फीचर्स हैं उनका भी फर्स्ट लुक यहाँ पर रिलीज कर दिया। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली Xiaomi HyperAce के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले, यानी कि HyperAce 2.0 जो आ रहा है इसमें क्या फीचर्स मिलेंगे, फोन की परफॉर्मेंस पे क्या यहाँ पर इम्प्रूवमेंट किया गया है और एनिमेशंस कैसे हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको HyperAce 2.0 के बारे में मिलेगी। इसलिए ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहिए। चैनल पे अगर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर जो Xiaomi HyperAce 2.0 होने वाला है ये काफी ज्यादा सीमलेस अपडेट होगा। इसके अंदर आपको फीचर्स बहुत ज्यादा मिलेंगे और इसके अंदर आपको एनिमेशंस बहुत तगड़े मिलने वाले हैं। यहाँ पर इसका जो फर्स्ट लुक है वो Xiaomi ने हैंड ऑन रिलीज कर दिया है और फीचर्स के बारे में भी बताया कि भाई एग्जैक्टली ये फीचर्स आने वाले। तो ये जो साइड बार वाला फीचर है, जैसे कि देखोगे मैंने अभी भी इंस्टॉल इसको किया हुआ है, तो ये जो फीचर है वो वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड फीचर होने वाला है। देन इसके साथ हाईलाइटेड और भी काफी सारे हैं। तो ये जो अपडेट है वो मुझे काफी जबरदस्त लग रहा है क्योंकि इसके अंदर आपको एनिमेशंस बहुत ज्यादा इंप्रूव मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ और भी एनिमेशंस मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप गेम सेंटर में देखोगे या फिर उसके साथ यहाँ पर जो है वो इसके नोटिफिकेशन में देखोगे, कंट्रोल सेंटर वगैरह है। तो ये सारे फीचर्स बहुत ज्यादा स्मूथ कर दिए हैं। आप देखोगे एनिमेशंस के मामले में HyperAce 2.0 आउटस्टैंडिंग अपडेट यहाँ पर होने वाला है। मतलब नोटिफिकेशन पैनल का एनिमेशन बहुत ज्यादा स्मूथ है और कंट्रोल सेंटर का जो पैनल है वो भी बहुत ज्यादा स्मूथ यहाँ पर मिल रहा है। देन फीचर्स के मामले में फीचर्स भी काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको कुछ नए लेआउट्स मिलेंगे, नए फीचर्स मिलेंगे और इसमें आपको स्लाइड वाला फीचर भी मिलेगा जिसमें एनिमेशंस भी काफी अच्छा यहाँ पर Xiaomi ने प्रोवाइड किया है। तो ये अपडेट बहुत ज्यादा यूनिक यहाँ पर फीचर्स के साथ ये होने वाला है। और उसके साथ ही यहाँ पर आपको जो है वो एक बहुत जबरदस्त एनिमेशन मिलेगा इन फिंगरप्रिंट डिस्प्ले वाले जितने भी डिवाइस हैं जिनके डिस्प्ले के अंदर ही फिंगरप्रिंट सेंसर है, तो उसमें एक बहुत एक अमेजिंग टाइप का जो एनिमेशन है वो देखने को यहाँ पर मिलेगा। एनिमेशंस तो है लेकिन इसके जो नए नए डिजाइन है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे क्योंकि डिजाइन भी काफी ज्यादा नए यहाँ पर एड किए गए हैं, जिसके अंदर आपको कुछ इस टाइप का जो एनिमेशन है, मतलब बहुत फास्ट और बहुत ज्यादा स्मूथ जो एनिमेशन है अब वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यार इंडिया के अपडेट में एनिमेशन बहुत लिमिटेड देखने को मिलते हैं, लेकिन HyperAce जो 2.0 आने वाला है इसमें एनिमेशंस का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। iOS से भी बेटर एनिमेशन यहां पर होने वाले हैं, जो कि अगर सेम इसी टाइप के मिलते हैं, हालांकि कुछ जो मिड रेंज डिवाइस है उसमें थोड़े कम एनिमेशन मिलेंगे, लेकिन जो फ्लैगशिप लेवल के डिवाइस रहेंगे उसमें आपको सीमलेस यहां पर जो है मतलब बहुत ज्यादा अमेजिंग जो एनिमेशन है वो मिलेंगे, जो कि काफी जबरदस्त है। मतलब ऑलमोस्ट सारे फीचर्स के अंदर आपको एनिमेशन यहां पर देखने को मिलेंगे। और उसके साथ यहाँ पर आप देखोगे जो इसकी स्पीड है वो भी काफी ज्यादा फास्ट यहाँ पर कर दी, क्योंकि इसमें जो सिस्टम लॉन्चर यूज हो रहा है वो बहुत ज्यादा स्मूथ है, बहुत ज्यादा बेटर है। इसलिए जो इसकी ऑप्टिमाइजेशन है और इसके जो एनिमेशन है वो प्रॉपरली काफी अच्छे वे में यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जितना इस सिस्टम स्मूथ चलेगा उतने फीचर्स भी अच्छे चलेंगे और उतने ही अच्छे एनिमेशन भी वर्क यहाँ पर करेंगे। तो आप देख सकते हो हर एप्लीकेशन के अंदर आपको बहुत कूल और बहुत ज्यादा स्मूथ एनिमेशन मिल रहा है, क्योंकि क्वालिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव यहाँ पर किया। और यहाँ पर जो वॉल्यूम पैनल है इसके अंदर भी आपको यहाँ पर एक नया जो डैशबोर्ड है वो देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से आप इसका देख सकते हो, और इसकी क्वालिटी को डेफिनेटली काफी ज्यादा इंप्रूव किया। और इसका जो डायनेमिक आइलैंड फीचर है ऊपर आप देख सकते हो, इसके अंदर भी आपको काफी सारे टूल्स के फीचर मिल जाते हैं और यहाँ पर चार आपको वार बार मिल जाएंगे, जैसे कि अभी आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास तीन ही बार आ रहे हैं लेकिन इसमें चार बार आपको देखने को मिलेंगे जो कि वॉल्यूम पैनल के। और उसके साथ ही यहाँ पर आप देखोगे इन फिंगरप्रिंट डिस्प्ले के जो एनिमेशन है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है और यहाँ पर काफी सारे मिल रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा एनिमेशन भी इसके जो शेप्स हैं डिजाइन है वो भी काफी ज्यादा एड यहाँ पर हो चुके हैं। तो इसमें काफी नए नए टाइप के जो डिजाइन है वो देखने को मिलेंगे, जिसमें आप यहाँ पर अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर पाओगे। और उसके साथ ही यहाँ पर आप देखोगे इसके अंदर भी सेटिंग सेक्शन में भी यहाँ पर आपको जो एनिमेशन है वो मिल जाते हैं। इसका भी जो नया लेआउट है, नया डैशबोर्ड है वो Xiaomi ने इम्प्रूव किया, मतलब किसी वे में भी आप इसको जो है वो रोटेट कर सकते हो। आप देख सकते हो सारे वे में ये वर्किंग है और ये चलता ही रहेगा, मतलब ये चीज काफी अच्छी है। और इसके अंदर एनिमेशन भी बहुत तगड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, मतलब जब रोटेट करोगे तो उसके अंदर भी आपको एनिमेशन जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि वर्किंग में है और बहुत ज्यादा स्मूथ वे में ये वर्क यहां पर कर रहा है। तो ये अपडेट बहुत ज्यादा यूज होने वाला है काफी एनिमेशंस के साथ, क्योंकि एनिमेशंस जो है वो बहुत अमेजिंग इस अपडेट में यहां पर देखने को मिल रहा है। और यहां पर iOS 18 जैसा जो फाइल ट्रांसफर फास्ट स्पीड वाला फीचर है वो भी आपको यहां पर जो है वो Xiaomi के इस अपडेट में मिलेगा, यानी कि HyperAce 2.0 में वो फीचर भी यहां पर Xiaomi ने प्रोवाइड किया हुआ। आप देखोगे सेम उसी तरीके से, क्योंकि ये हाइपर कनेक्ट वाला फीचर है, हाइपर कोर, हाइपर AI और हाइपर माइंड जो है वो तो यहां पर ओल्ड हो गया है, लेकिन हाइपर कनेक्ट के नाम से ये फीचर मिलेगा, जिसमें आप देखोगे अपने काफी सारे डिवाइसेस को आप पेयर कर सकते हो, काफी सारे डिवाइसेस को आप यहां से कनेक्ट भी कर सकते हो। तो ये फीचर एग्जैक्टली बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, क्योंकि इस फीचर के अंदर आपको बहुत ज्यादा फास्ट
स्पीड मिलेगी डेटा को ट्रांसफर करने में, रिसीव करने में। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी जो कि iOS 18 में आ रहा था, लेकिन आपको इस अपडेट में भी HyperOS 2.0 के अंदर काफी सारे डिवाइसेस में ये फीचर मिलेगा। और यहाँ पर HyperOS 2.0 के अंदर ये सर्च बार के अंदर भी कुछ नए फीचर्स यहाँ पर Xiaomi ने इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि यहाँ पर आपको आने वाले HyperOS 2.0 के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर नॉर्मल आता है, लेकिन इसमें जैसे कि नहीं यहाँ पर सीरी आती है उस टाइप से, मतलब जैसे iOS 18 में यहाँ पर निकल कर आता है, सेम उसी तरीके से ये फीचर जो यहाँ पर सर्च वाला काम करने वाला, जो कि यहाँ पर AI बेस्ड होगा और AI के साथ ही ये काम करेगा। तो एग्जैक्टली ये फीचर बहुत अमेजिंग होने वाला है जो कि HyperOS 2.0 के अंदर ऑफिशियल कन्फर्म Xiaomi ने कर दिया है। और इसके अंदर आपको जो नया चार्जिंग एनिमेशन है वो भी देखने को यहाँ पर मिल रहा है, कुछ इस टाइप के ये बबल टाइप के आपको मिलेंगे जो कि आप देख सकते हैं काफी फ्लैट टाइप का जो एनिमेशन है, क्योंकि HyperOS जो आया था उसके अंदर भी एनिमेशन मिला था नया चार्जिंग वाला, लेकिन यहाँ पर 2.0 के अंदर और भी ज्यादा स्मूथ और भी ज्यादा ट्रांजिशन के साथ ये जो फ्लैट वाला चार्जिंग एनिमेशन है ये भी आपको देखने को मिलेगा। और उसके साथ यहाँ पर ये जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है, क्योंकि अपडेट के अंदर बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन आपको मिलेंगे जिसमें आप बहुत सारे ऐसे नए फीचर्स हैं जो कि अभी तक आपने यूज नहीं किए हैं वो यहाँ पर यूज कर पाओगे। ये जो चार्जिंग एनिमेशन है इसका भी लुक आप देख सकते हो यहाँ से, क्योंकि चार्जिंग एनिमेशन भी काफी जबरदस्त यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पर आने वाली हैं। तो आई होप आपके सारे समझ में फीचर्स आ गए होंगे, अगर कोई फीचर समझ में नहीं आया तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।